हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एके ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मैटर के स्टेट्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है कि नहीं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन डेट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई हमें पता है, हमने देखा है कि वाटर क्या है, एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट्स में। कैसे भाई? सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी करता है, गैस में भी करता है। भाई सॉलिड में एज अ आइस यानी कि बर्फ़ की तरह एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में पानी की तरह करता है, ठीक है, गैस में वाटर वेपर्स की तरह करता है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। भाई जब मैटर क्या है अपने स्टेट को चेंज करता है तो ऐसा क्या होता है मैटर के अंदर जो स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। भाई क्या होता है पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके साथ क्या होता है जब मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, और ये कैसे होता, कैसे है ये चेंज जिससे कि मैटर का स्टेट बदल जाता है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चंस इजंट इट। हमें क्या इनके आंसर खोजने की ज़रूरत है या नहीं? भाई बिल्कुल है, हमें पता लगाना है, हम इच्छुक हैं जानने के लिए। चलिए भाई देखते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है भाई मैटर कैसे अपना स्टेट को चेंज कर सकता है टेम्परेचर के अफेक्ट से, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर हो गया एक मिनट, ठीक है, अब ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो दी हुई है बुक में, ठीक है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो डैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज इन फिगर, ठीक है। भाई आपको क्या करना है, एक बीकर लेना और इसमें 150 ग्राम आपको बर्फ ले लेनी है। क्या ले लेनी है भाई? बर्फ ले लेनी है, ठीक है। और उसमें क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको एक थर्मामीटर लगाना है जिससे क्या ये बर्फ़ के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, थर्मामीटर, ठीक है। फिर नीचे से क्या करना है भाई, आपको इसमें बर्नर लगाना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि क्या बोला इन्होंने, ठीक है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर, भाई आपको बीकर को हीट करना शुरू कर देना है लो फ्लेम पे, ठीक है। अब भाई आपको नोट करना है टेम्परेचर को, व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब आपकी जो बर्फ जो आपने डाली हुई है जब वो पिघलनी शुरू हो जाए। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, और तब भी आपको टेम्परेचर जो है आप टेम्परेचर नोट करेंगे थर्मामीटर से, तब जब पूरा का पूरा जो आइस है यानी बर्फ़ है आपकी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से स्टेट चेंज हो जाएगा। दो टेम्परेचर आपको नोट करने होंगे, ठीक है, जब आइस पिघलनी शुरू होगी और जब पूरी तरीके से पिघल चुकी होगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, भाई आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट के कन्वर्जन में, ठीक है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, भाई जब आप एक बीकर है उसमें पानी जब लिक्विड स्टेट में आ जाएगा उसमें ग्लास रॉड डालनी है, ठीक है, और उससे आपको स्टीर करना है यानी उसको मिलाना है वाटर को, तब तक वो उबलने नहीं लग जाता। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर, ठीक है, रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट, भाई आपको थर्मामीटर पर अपनी आंखें रखनी है दबा के, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज, जब तक ज़्यादा सारा का पानी वेपराइज यानी भाप में नहीं बदल जाता। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर इन टू लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट, भाई जब वाटर जो है गैसेस स्टेट में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका आपको रिकॉर्ड करना ऑब्जर्वेशन। भाई अब आप जब ये करोगे, मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको, यहीं से शो करता हूँ, ठीक है। भाई ये आपका कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक है। जब आप इसे लो फ्लेम पे हीट करना शुरू करेंगे तो भाई आप हीट कर रहे हो, ठीक है, कुछ ग्राफ से दिखाता हूँ मैं आपको। आप उसे हीट करोगे कुछ टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट भाई ऐसा आ जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट भाई ऐसा आएगा जिसमें क्या है ये बर्फ़ यहाँ पे पिघलना शुरू हो जाएगी। क्या करना हो जाएगा? पिघलनी शुरू हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो फिर भाई ये जब तक आपकी बर्फ़ पूरी तरीके से पिघल नहीं जाती है तब तक आपका जो टेम्परेचर है बीकर के अंदर वो बढ़ेगा नहीं, जो इसके अंदर भाई हीट आपको दे रहे हो ना इसको, तो भाई जो इसका टेम्परेचर है बीकर का वो बढ़ने नहीं वाला, वो कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर, ठीक है, जब तक पूरी तरीके से बर्फ़ पिघल नहीं जाती। फिर आपने, ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर नोट कर लिया आपने, दोनों टेम्परेचर सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है, जब बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई और जब पूरी तरीके से पिघल चुकी थी, दोनों बर्फ़ टेम्परेचर सेम है। अब आपने फिर इस लगातार फ्रेम जल रही है और हीट कर रहे हो तो फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, और फिर से आपका ये कुछ टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ेगा। और जब तक आपका कोई ऐसा पॉइंट आएगा फिर आपका, जब भाई वाटर के वेपर्स जो है, वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर आपका जब तक वो वेपराइज नहीं हो जाता पूरी तरीके से, वो जो टेम्परेचर है फिर से कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है।
तो भाई जो अब अपने भाई उसके लगातार हीट जल रही है, हीट जल रही है, तो ये जो समय है भाई जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, भाई जब हम लगातार हीट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट क्यों है टेम्परेचर, ठीक है ना, हीट तो बढ़नी चाहिए ना भाई। भाई ये जो आप इसमें जो पार्टिकल्स को इस वक्त इस समय में जो एनर्जी मिलती है ना, एक्चुअली में वो टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं होता है यहाँ पे, मतलब इसको हीट नहीं देता। जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सारी एनर्जी कंज्यूम करके वो अपने अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के, यानी सॉलिड से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं भाई पास पास में, जब आप उसको हीट कर रहे हो ना कुछ इस तरीके से, भाई ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के पास पास में हैं, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो जो जो एनर्जी है ना यूज़ होगी इसको तोड़ने में, वो हीट से ही आती है इसके पास एनर्जी, तो इसमें आपकी कंज्यूम हो रही है एनर्जी की, इसमें बर्फ़ से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए टेम्परेचर जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब भाई आपका यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही होता है, वाटर जब वेपर्स में बदल रहा होता है तो इसी में एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। चलिए भाई पढ़ते हैं आगे क्या क्या कहते हैं भाई। अब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। भाई जब आप इंक्रीज़ कर रहे हो टेम्परेचर को, जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी भाई बढ़ रही है, ठीक है। भाई आप उनको हीट करोगे, वो पास पास में है, ठीक है। अब उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ मान लीजिए इस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई जब आप इनको हीट करोगे ना, क्या कर रहे हो आप इनको हीट कर रहे हो, ठीक है। तो भाई इनके जो ये अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक समय ऐसा आएगा, एक हीट इसकी ऐसी होगी ना, मतलब इनको ऐसी इतनी एनर्जी मिल जाएगी, ये भाई एक दूसरे का साथ छोड़ के अकेले अकेले भागने लगेंगे, मतलब दूर चले जाएंगे, इससे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से भाई आपको पता है जब किसी पार्टिकल्स के पास एनर्जी आती है तो वो मोशन में आ जाते हैं और दूर भागने लगते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, क्या होगा जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉलिड के वो वाइब्रेट करने लगेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे, ठीक है। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो भाई एनर्जी आप उसको सप्लाई कर रहे हो उससे हीट जो बन रही है, ठीक है, उससे क्या होगा भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच का वो टूट जाएंगे, ओवरकम्स हो जाएंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स हैव लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, भाई अब ये जो पार्टिकल्स थे आपके पास पास में अब ये दूर दूर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से और मोर और आज़ादी से घूमने लगेंगे। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, भाई एक स्टेज ऐसी आएगी जब सॉलिड जो है पिघल कर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमोस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, भाई जो मिनिमम जो टेम्परेचर है, जो कम से कम टेम्परेचर है जिस पे एक सॉलिड, ठीक है, मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एटमोस्फेयरिक प्रेशर पर, ठीक है, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट करता है लिक्विड स्टेट में, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, भाई जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका मतलब इंडिकेशन उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है कि उसके मतलब कितनी पावर से उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है एक तरीके से, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है एक दूसरे को पकड़ने की। तो अगर जब हम उसे हीट करेंगे तो भाई इससे उनका जब वो पॉइंट जो होगा जिस पे वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टूट जाएगा, वही पॉइंट जो होगा उसकी स्ट्रेंथ का पॉइंट होगा, ठीक है, मतलब लास्ट पॉइंट होगा उसकी स्ट्रेंथ का। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273, तो भाई जो मेल्टिंग पॉइंट है जो बर्फ़ के पिघलने का वो 273.15 केल्विन है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन, भाई जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है ना स्टेट, उसको हम फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है, फ्यूजन कहते हैं उसे। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इस टेम्परेचर रिमेंस द सेम, जब भाई सॉलिड मेल्ट करता है ना उसका टेम्परेचर सेम रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है यूज़ होगी भाई उसको आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया, वेयर डज द हीट एनर्जी को, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डजंट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड,
भाई आपने नोट किया था टेम्परेचर, ठीक है, जब आपकी बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई थी और तब तक पिघली नहीं थी, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई जो टेम्परेचर है बीकर के अंदर का यानी सिस्टम का, भाई वो चेंज नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? चेंज नहीं हुआ है जब तक कि मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं हुआ, ठीक है, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक कि पूरी तरीके से आइस मेल्ट नहीं हुई। दिस हैपन्स इवन थो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, डैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। जबकि भाई ये तब होता है जब हम उसको कंटिन्यू हीट दे रहे हैं बीकर को। दिस हीट गेट्स यूज अप इन चेंजिंग द, तो भाई ये जो हीट है वो यूज़ हो रही है इन चेंजिंग द स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। भाई जो एनर्जी है, जो हीट है, वो यूज़ हो रही है स्टेट को चेंज करने में, यानी कि जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए जो पार्टिकल्स के बीच में है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, भाई ये जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली गई है आइस ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया है किसी भी टेम्परेचर में बिना राइज के, यानी उसको टेम्परेचर बिना बढ़े इसको कंज्यूम कर लिया उन्होंने, एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर डेट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट्स नोन एज लेटेंट हीट। भाई जब आप इसको हीट कर रहे हो तो इस हीट का ना भाई पता ही नहीं चलता ये चली कहाँ गई, इसलिए हम इसको हिडन इन टू कंटेंट द बीकर एंड इट्स नोन एज द लेटेंट हीट। भाई इसलिए हम इसे लेटेंट हीट भी कहते हैं, जहाँ पे लेटेंट का मतलब छुपने से है, ठीक है। लेटेंट का मतलब किससे भाई? आपका हिडन से है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डैट इज रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। भाई जो अमाउंट है हीट एनर्जी का जब 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया जाए लिक्विड में, वो भी एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 degrees Celsius यानी 273 Kelvin हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। भाई अब पार्टिकल्स हैं आपके पास हैं, ये सॉलिड के हैं, ठीक है, और ये आपके थोड़े से पार्टिकल्स उसके हैं वाटर के। भाई इसमें एनर्जी किसके पास है? भाई इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, भाई इनके पास कम एनर्जी है, और जो लिक्विड है इसकी वजह से इनके पास ज़्यादा एनर्जी है पार्टिकल्स के पास, क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तब भाई जब ऐसा वो जब बर्फ़ पिघल रही होती है तो जो बीकर है उसके अंदर बर्फ भी है आपकी और पानी भी है, तो इसमें ये कहा गया है भाई जो पार्टिकल्स है ना सॉलिड के यानी कि बर्फ़ के, वो उसके मुकाबले एनर्जी ज़्यादा है उसमें, यानी जो पानी उसमें है उसमें ज़्यादा एनर्जी है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 degree के हैव मोर एनर्जी इज कम्पेयर टू पार्टिकल्स एज इन द सेम टेम्परेचर। When we supply heat energy to water, जब हम heat energy को supply कर रहे हैं water में, particles भाई और ज़्यादा से move कर रहे हैं at a certain temperature, एक ऐसा temperature आता है कि एक ऐसा point पहुँचता है when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction इस तरह। भाई फिर से वही आपका, जब आप पानी को heat कर रहे हो भाई, उसका temperature increase हो रहा है, फिर एक ऐसा समय आता है भाई जहाँ पे उनके particles का force of attraction आपका टूट जाता है, ठीक है। At this temperature the liquid starts changing into gas, जब भाई आपका पानी उबलने लगा तो वाटर्स क्या है वेपर बदलने लगा और वो गैस में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब भाई ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड क्या करे स्टार्ट कर दे बॉइल करना यानी उबलना शुरू कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिना, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 370 degree Kelvin, जो वाटर के लिए टेम्परेचर है वो जब वो उबलना शुरू करता है यानी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करता है, वो टेम्परेचर 373 Kelvin है यानी कि 100 degree Celsius। आप इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आप 273 में 100 को ऐड करेंगे वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, भाई जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था वैसे ही आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का आपको डेफिनेशन करनी है, डिफाइन करनी है, ठीक है। भाई हमने डिफाइन किया था ऐसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई हमने डिफाइन किया था ये द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यही आपको सेम लिखना है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड की जगह आप लिक्विड लिख लेना, ठीक है, इनटू गैस, लिक्विड की जगह आपको यहाँ पे गैस लिखना है, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट की जगह आप बॉइलिंग पॉइंट लिख देंगे, और इज़ नोन एज द आपको वेपराइजेशन हीट ऑफ फ्यूजन लिख देना है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी डेफिनेशन होगी। डू इट, ये वही लिखा आपका लेटेंट ऑफ फ्यूजन की तरह आपको डिफाइन करना है, ठीक है।
पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज़ वाटर वेपर एट 370 डिग्री हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। फिर से भाई वही बात कही है, इनको जो वाटर्स के वेपर वाटर था उसमें जब वो उबलना शुरू हुआ तब वो गैस और वाटर के दोनों के पार्टिकल्स हैं, तो भाई एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके पास, वो दूर दूर हैं ज़्यादा तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा है भाई, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, और ये इस वजह से भी है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं स्टीम के उसने क्या है एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम उसको नीचे से हीट कर रहे हैं उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और लेटेंट हीट वेपराइजेशन की वजह से, इसी वजह से उसमें एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। सॉलिड स्टेट को आप हीट करोगे तो भाई वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को हीट करोगे तो आप गैसेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर आप गैसेस को कूल करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से कूल करोगे तो सॉलिड स्टेट में, या आपका टेम्परेचर के इफेक्ट से आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। स्टेट अपना बदलता रहेगा मैटर जब आप उसको हीट करोगे इसी पोस्चर्स में, ठीक है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो भाई हम ये पता कह सकते हैं कि जो मैटर है अपना स्टेट चेंज कर सकता है जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड लिक्विड स्टेट एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। भाई हमने देखा कि जब अब हम हीट करेंगे मैटर को वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। बट देयर आर सम डेट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इन टू द लिक्विड स्टेट। भाई लेकिन ऐसा भी है कि भाई हमने देखते हैं कि सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, और इस या फिर गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आपका कन्वर्ट हो जाता है भाई लिक्विड स्टेट के बिना। ऐसा पॉसिबल है कि लिक्विड स्टेट के बिना भाई सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है और सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जा सकता है मैटर? तो भाई ये प्रोसेस आपका सब्लिमेशन का होता है, ये क्लास अगली क्लास में हम करेंगे। आप ये वीडियो में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप वहाँ से जाकर सब्लिमेशन का नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने ही स्क्रीन पर भी एक वीडियो आ जाएगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी कि मैटर के स्टेट्स के बारे में कि उनके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह क्या क्या होता है, ठीक है, आपके सामने अभी वीडियो आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली का पार्ट्स बने ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नई वीडियोज़ की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।